तो आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ग ज्ञात करने के जो शानदार ट्रिक है। ठीक, तो सबसे पहले देखो जो क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक, आपको स्क्वायर फाइंड करने हैं इस दी गई आकृति में। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उसमें से एक ऑप्शन का आंसर लाना है। कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा जो दी गई आकृति है वो सममित है या नहीं, यानी मेरा मतलब है सिमेट्रिक, यानी रॉ बराबर कॉलम। तो अगर इसके आप देखिए रॉ जब आप काउंट करेंगे, ये देखिए इस टाइप से जो इसके होते हैं रॉ होते हैं, और ये ऊपर से नीचे जो होते हैं ये कॉलम होते हैं। क्लियर? तो आप इसको जब काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर रो जब गिन रहे हैं तो एक से यहाँ पे छः रो आ रहे हैं और छः कॉलम आ रहे हैं। इसका मतलब जो है रो बराबर कॉलम, यानी दी गई आकृति क्या है? सममित है। तो उसके इस जब सममित आकृति है तब आपको कैसे वर्ग ज्ञात करने हैं इसके हम ट्रिक देखेंगे। तो चलते देख लेते हैं। सबसे पहले आप नंबरिंग कर लेंगे। क्लियर? तो मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, नंबरिंग कर दिया। आप नंबरिंग कर दे, देखिए रो बराबर कॉलम है, जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं। ठीक, अब क्या करना है, वन साइड नंबर का स्क्वायर करके उसको ऐड कर देना है। किस तरह? देखिए वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स होगा। तो ये जब आप एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, पाँच का स्क्वायर पच्चीस और छः का स्क्वायर छत्तीस जब ऐड करेंगे आप इसको लिख के, तो आपका यहाँ पे आएगा 91। क्लियर? 91 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? 91 वर्ग हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक, ये सममित आकृति के लिए था। असममित आकृति के लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। धन्यवाद।